गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को आवाज़ आ रही है? बताओ, ऑडियो वीडियो। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हम चैप्टर नंबर जो 6 है आपका, क्लास 8 का, वो पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था इसके बारे में। एंड गुड मॉर्निंग तुषार, कशिश, रितु, हर्षित, आलेख, अंश और अश्वनी। अरे वीडियो चल तो रही है हर्षित, वीडियो क्यों ना चल रही? अतुल कुमार गुड मॉर्निंग, साक्षी यानी कि रोली गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदित्य। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हम ये कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे थे। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है कि उनका संरक्षण करना, यानी कि जो पेड़ों का किस टाइप से हम संरक्षण कर सकते हैं, किस टाइप से बचा सकते हैं वाइल्ड लाइफ जो। हाँ अब चल गई, ठीक है। कार्तिक गुप्ता गुड मॉर्निंग। तो हम वाइल्ड लाइफ ये जो होते हैं, जैसे फॉरेस्ट वगैरह, जंगली जानवर वगैरह होते हैं, जैसे बहुत से करते हैं ना उसको शिकार कर लेते हैं, तो उस चीज़ को कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या क्या एक्शन लिए जाएं, ये सब कंजर्वेशन के अंदर आता है, ठीक है। राहुल कुमार गुड मॉर्निंग। तो मैंने आप लोगों को कल जो लास्ट क्लास थी, आपको ये एक्सटिंक्ट एंड नीड फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में पढ़ा दिया था। इसके बारे में तीन टॉपिक्स थे हमारे। दे कैन नॉट एडजस्ट टू चेंजेस इन द अर्थ इन्वायरमेंट, कि ये जो एक्सटिंक्ट क्यों बनते हैं, मतलब क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं ये इन्वायरमेंट से, क्योंकि ये अपने क्लाइमेट को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये ख़त्म हो जाते हैं। अतुल कुमार सर, चैप्टर 4 और 5 सेंड मी। चैप्टर नंबर 4 मे बी, शायद 5 मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, वहाँ से आप वीडियो देखो और पूरे लेक्चर के और एक्सरसाइज वगैरह, क्वेश्चन आंसर वगैरह मैंने सब करा रखे हैं, तो वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। और जो चैप्टर नहीं है यूट्यूब पर, मैं उसकी मैं PDF भेज दूँगा। बाकी तो यूट्यूब पर मैंने सब करा ही रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। क्रिश शर्मा गुड मॉर्निंग, यस वर्मा गुड मॉर्निंग। तो अब इसके बारे में हम क्या पढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट गोल है कंजर्वेशन का, टू हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ दोज स्पेशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। मतलब जो कंजर्वेशन यानी कि प्रोटेक्शन करना स्पेशीज का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, वो उनका जो कंजर्वेशन का जो गोल है, जो एम है, वो ये है कि जो हमारी स्पेशीज है और जो प्लांट्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, उनका हम किस तरह से उसको कंजर्व कर सके, यानी कि उनको जो उनकी प्रजातियां ख़त्म होती हैं, एक्सटिंक्ट होती हैं, उससे हम उसको कैसे बचाएं, ठीक है। तो एज एक्सटिंक्शन इज ए नेचुरल प्रोसेस, नॉट ऑल स्पेशीज कैन बी सेव्ड, सो साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन ऑफन कंसनट्रेट ऑन द वन दैट आर इन डेंजर मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्शन। मतलब एक्सटिंक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है, बट सभी स्पेशीज के लिए नेचुरल प्रोसेस नहीं है। गुड मॉर्निंग तनिष्क, गुड मॉर्निंग दीपांशु पाल, है ना। जो एक्सटिंक्शन होता है मतलब ख़त्म होना, कगार पर प्रजातियां लुप्त होना, ठीक है। बट कहा जाए तो सारी जितनी भी स्पेशीज होती हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस तो होती है, बट सभी स्पेशीज़ के लिए नहीं होता है। कुछ स्पेशीज़ को हम जो है ना, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन एक्शंस होते हैं, उसकी वजह से उनकी प्रजातियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। गगन शर्मा गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब क्या है थ्रेट टू प्लांट्स, कि प्लांट्स का जो है कितना से थ्रेट हो रहा है, ठीक है। इन आवर इकोसिस्टम वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। हमारे इकोसिस्टम में, वेजिटेशन में और वाइल्ड लाइफ में जो कुछ वैल्यूएबल रिसोर्स हमारे मिलते हैं, ठीक है। कैसे मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है थ्रेट्स टू प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स क्यों खतरे में पड़े हुए हैं, मतलब क्यों उनकी जो प्रजातियां हैं प्लांट्स की, वो क्यों विलुप्त होती जा रही हैं,
ठीक है। महेंद्र प्रताप गुड मॉर्निंग, सचिन गुड मॉर्निंग, पीयूष, और भाई ये जिसका भी नाम है डेंजर गेमिंग, इसको नाम चेंज कर लो पहले, है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कौन स्टूडेंट कनेक्ट है कौन नहीं है। ठीक है, सो नाम चेंज कर लेना। गुड मॉर्निंग सचिन। सो वी ऑल नो दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, प्रोवाइड शेल्टर टू मैन एंड एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन विद ब्रेथ, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड नेचुरल क्लाइमेट्स, होगा ये कैलेमाइट्स नहीं है, क्लाइमेट्स होगा, सच एज फ्लूड, हाई स्पीड विंड एंड हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरगोज वाटर, दीज आर सम ऑफ इनुमरेबल यूज ऑफ प्लांट्स। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे शेल्टर यानी कि रहने के लिए, शेल्टर यानी कि सिर ढकने के लिए, आदमियों मतलब इंसानों के लिए शेल्टर्स प्रोवाइड कराते हैं, एनिमल्स को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं हमें, और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं जिससे हम क्या करते हैं सांस लेते हैं, सॉइल जो होती है वो क्या होता है उससे जो अनाज वगैरह उगाए जाते हैं उस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, नेचुरल क्लाइमेट से बचने में जो है मदद करते हैं, जैसे फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए बचाव करते हैं। ठीक है, ये कह सकते हो कि बहुत ही मतलब उसके अनलिमिटेड यूजेस हैं प्लांट्स के, कोई पर्टिकुलर यूजेस नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ऑफ साइंटिस्ट, अगर साइंटिस्ट के एस्टिमेट की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड 1/10 ऑफ द नोन प्लांट्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी कि अगर साइंटिस्टों की बात की जाए तो उन्होंने 1/10 पार्ट्स ऑफ प्लांट को एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में डाल दिया गया है, क्योंकि वो विलुप्त यानी कि ख़त्म होने के कगार पर हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ख़त्म होने के कगार पर है। दिस मीन्स दैट अराउंड 20,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट आर क्लोज टू एक्सटिंक्शन। नैना शर्मा गुड मॉर्निंग। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 20,000 जो प्रजातियां हैं प्लांट्स की, यानी कि स्पेशीज हैं प्लांट्स की, वो ख़त्म होने के कगार पर हैं। वेजिटेशन इज अ जनरल इज सफरिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दीज रीजन्स आर फॉलोइंग। ठीक है, इसमें भी क्या है कि कुछ कैटेगरीज हैं वेजिटेशन की जिससे कि प्लांट्स क्या सफ़र करते हैं, कुछ जो रीजंस हैं वो रीजंस हमारे इस टाइप से हैं। पहला, इरोजन ऑफ एंड ओवर ग्रेजिंग, यानी कि इरोजन होना और ओवर ग्रेजिंग होना, मतलब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कटाई करना, जैसे जंगलों को काटना, पेड़ पौधों को काटना। ठीक है, जैसे कि इन द मिडल ईस्ट फॉर इंस्टेंट हैव टर्न्ड फॉरेस्ट इंटू बारन लैंड, यानी कि क्या है कि इरोजन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और क्या एकदम फ्लैट वहाँ पर सरफेस एरिया बनाया जा रहा है, मकान वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई जा रही हैं। तो एक ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है क्लियरनेस ऑफ लैंड टू फॉर फार्म सिटीज एंड अदर लार्ज कम्युनिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, टूडे द लार्ज फॉरेस्ट ऑन द अर्थ, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर बींग डिस्ट्रॉयड फॉर दीज वेरी रीजन्स। वेन द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट, नॉट ओनली आर दे लॉस्ट बट थाउजेंड्स ऑफ प्लांट दैट लीव ऑन और अमंग द ट्री ऑल्सो वैनिश। इट मीन्स क्या है कि जैसे कि मैंने बताया तो ऊपर वाले, हाँ बहुत बड़े, अगर गुड, अब पता चल रहा है ना, भविष्य कुमार नाम है तुम्हारा, अब आपने डेंजर गेमिंग डाल लिया था तो क्या पता चलता है ना। आवाज आ रही है? अब आप ये बताइएगा बच्चों, तो जैसे माइग्रेशन का बताते हैं कि एक जो एनिमल्स हैं हमारे, उनको किसी एक प्लेस से ले जाकर किसी दूसरे प्लेस में ले जाना जो है वो माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है कि बकरियों को क्या है, गोट्स को क्या है, यूनाइटेड स्टेट से किसी उसके अलग पार्ट में एक हवाई आइसलैंड, वहाँ तक उनको पहुँचाया गया, जिस पर उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स को क्या करा खाया। तो हवाई रेड कार्निवल इज़ अ ग्रेनियम विच इज एंडेमिक टू हवाई आइसलैंड,
It is found on the island of Nui. There are only 500 individual left and the beautiful flowers. मतलब एक जो वो आइसलैंड है वो एक खुद भरने वाला है, जिसमें क्या है कि उसकी खुद ही लिमिटेड जो है, जैसे कि लगभग 500 इंडिविजुअल जो फ्लावर्स की प्रजातियां हैं वो केवल उतनी बची है। मतलब लगभग अगर वहाँ की चीज़ें सब खा लोगे तो वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, जब बचेगा ही नहीं तो वहाँ स्पेशीज ख़त्म हो जाएंगी। तो एक जो रीज़न है वो ये भी है कि जो प्लांट एनिमल्स का माइग्रेशन होता है, एनिमल का माइग्रेशन मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ठीक है। अब आता है कैटल ट्रैम्पल, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि क्या है कि उनको काट कर जो है रिजॉर्ट बना लिया जाता है टूरिस्टों के लिए। मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से जो है एनिमल एंड प्लांट क्या है उनकी स्पीशीज ख़त्म हो गई। अब बात आती है हमारे पास नीड एंड मेजर्स टू कंजर्व प्लांट, ठीक है, कि इसकी नीड क्यों पड़ती है, मेजर कैसे कर सकते हैं इसको। तो नीड के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी नीड क्यों पड़ती है। इन अ लॉन्ग रन द थ्रेट टू प्लांट्स इज अ रियल थ्रेट टू अ ह्यूमन एज वेल। थ्रू आउट हिस्ट्री अबाउट 3000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड देयर पार्ट्स हैव बीन यूज्ड एज फूड। अरे हाँ भाई अश्वनी, सैनिटाइजर सेंड कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, हम सब पूरी क्लास को सैनिटाइज करवा देंगे ग्रुप में, है ना। चलो अब पढ़ लो। अगर बहुत लंबे टाइम की बात की जाए तो जो प्लांट्स को जो मतलब जो प्रजातियाँ ख़त्म होती जा रही है उसमें ह्यूमंस का भी जो है काफ़ी जो है एक्टिविटीज़ रही गई हैं। जैसे कि अगर हिस्ट्री में बात की जाए कि यहाँ पर 3000 डिफरेंट टाइप्स के प्लांट थे और उनके पार्ट जो है उनको यूज़ किया गया है, किस तरह से यूज़ करते हैं फूड के लिए। टुडे मोस्ट फूड कम्स फ्रॉम अबाउट 15 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि अगर बात की जाए तो ज़्यादातर फूड्स जो हैं वो 15 टाइप के, यानी कि 15 टाइप के प्लांट्स को हम क्या है फूड के थ्रू यूज़ करते हैं। इफ़ वाइल्ड प्लांट आर डिस्ट्रॉयड, अगर वाइल्ड प्लांट ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, वेयर विल बी द न्यू फूड रिसोर्स ऑफ फ्यूचर कम्स फ्रॉम, तो कहाँ से जो फूड के रिसोर्स आएंगे फ्यूचर के लिए। मतलब अगर हम अभी सारे प्लांट्स को खाकर ख़त्म कर लेंगे तो आगे के जो फ्यूचर में हम क्या खाएंगे फिर, है ना। सो ऑल्सो मैनी मेडिसिन आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। अगर चलो ये तो फूड की बात हो गई, बट मेडिसिन की बात भी की जाए तो मेडिसिन भी क्या है वो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है। ईच टाइम आ स्पेशीज ऑफ प्लांट वैनिश, अगर हर बार क्या है कि स्पेशीज जो है प्लांट की वो वैनिश हो जाती है, तब जो हमारा फूड और मेडिसिन्स बनाने की जो नई नई जो हमारे पास चांसेस होते हैं, अगर आप एक प्लांट से अगर मेडिसिन बना लोगे, अगर वो प्लांट ही ख़त्म हो गया तो आप दूसरे प्लांट कहाँ से उसको सर्च करोगे, फाइंड करोगे, है ना। सो ये भी हमारी क्या है इस चीज़ की भी, क्योंकि प्लांट्स की नीड पड़ती है मेडिसिन्स बनाने के लिए। अब इसको मेजर्स कैसे करते हैं, कुछ हमारे प्लांट को कंजर्व करने के लिए कुछ मेजरमेंट होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्री, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ। तो फॉरेस्ट्री इज़ अ प्रैक्टिस टू केयरिंग फॉर फॉरेस्ट टू मेंटेन द क्वालिटी एंड नंबर ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट्री क्या होता है, वो फॉरेस्ट को जो है एक प्रैक्टिसाइज होती है जो कि फॉरेस्ट को मेंटेन कर सके, उनके क्वालिटी और जो उनकी क्वांटिटीज में क्या है नंबर पेड़ों को बढ़ाने का काम कर सके। जैसे कि अगर कुछ किया जाता है फॉरेस्ट्री प्लांट्स एंड केयर ऑफ यंग ट्रीज एंड सिलेक्ट ट्री फॉर फेलिंग, यानी कि कुछ मतलब उनकी इस टाइप से केयरिंग की जाती है जो प्लांट्स मतलब जो गिरने वाले प्लांट्स होंगे उनको हटाकर और जो नए प्लांट्स हैं उनको लगाया जा सके, ठीक है। दे सर्वे ऑफ मैप फॉरेस्ट्री, दे कीप ए वॉच ऑन फॉरेस्ट एंड इट यूजर टू हेल्प द फाइट एंड एनी फायर दैट ब्रेक आउट, यानी कि उनको उनकी देख रेख की जा सके कि मतलब जंगलों में आग ना लगे और जो है उससे बचाव के तरीके खोजे जाएं। दे फेंस द फॉरेस्ट टू प्रिवेंट एनिमल्स सच एज डियर एंड रेविस एंटरिंग डिस्ट्रॉय यंग ट्रीज। और ये भी देखा जाए कि जो उसमें हिरन और रैबिट्स वगैरह जो मतलब एनिमल्स से बचाव भी किया जाए, जिससे क्या एनिमल्स आकर यंग ट्रीज जो छोटे मोटे पेड़ होते हैं उनको काट के खा ना जाए, जिससे उनको डिस्ट्रॉय ना कर दें, जिससे पेड़ पौधे की प्रजातियां खत्म ना हो जाए, ठीक है। फिर अगला हमारा, दे आल्सो प्रिवेंट पीपल फ्रॉम टेकिंग अवे टिम्बर व्हिच इज इलीगल, ठीक है, यानी कि
जो लोग भागे उनको भी जो है वहाँ से दूर रखा जाए, फॉरेस्ट से दूर रखा जाए, क्योंकि जो टिम्बर है हमारा एक टाइप से क्या है कि मतलब लकड़ियों को काटना, पेड़ों को काट के लकड़ियाँ बनाना, उसके लकड़ी के बहुत सारे फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं, क्या करते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की तरह इलीगल जो है, अगर क्योंकि जो ग्रीन पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है, उनको काटना मना होता है, लेकिन लोग बाग क्या करते हैं उसको काट जाते हैं। तो क्या इस चीज़ों को भी रोकना चाहिए। दूसरा है वाइस डिफॉरेस्टेशन। वाइस डिफॉरेस्टेशन ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना समझा देता हूँ। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पेड़ों का कटाव होना, यानी कि जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, और क्या हो रहा है जंगल के जंगल काटने के बाद उनको अपने स्पेशली अपने लिए यूजिंग करना, जैसे फर्नीचर बनाना, फार्म्स बनाना, सिटीज़ बनाना, और उसकी जगह मॉल्स वगैरह बना देना, ये सब डिफॉरेस्टेशन में आता है। ठीक है, अब एफॉरेस्टेशन की बात कर लेते हैं। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएँ अपने आसपास के एरियाज में। बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन का मतलब होता है कि गार्डन टाइप से बनाना, जैसे बोटेनिकल गार्डन शुड बी इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट रेयर स्पीशीज़, मतलब कि जो कुछ रेयर स्पीशीज़ होते हैं जो मतलब ख़त्म होने के कगार पर ही होते हैं, उनको किस तरह से बचाया जा सके, तो उनके लिए कुछ बोटेनिकल गार्डन टाइप से बना दिया जाता है, जिससे वहाँ जो रेयर स्पीशीज़ हैं वहाँ रहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो ग्रेज करते हैं जैसे कैटल एंड अदर एनिमल लाइक डियर एंड रेबिट ईट टिम्बर यंग प्लांट्स, जैसे कि जो है बहुत सारे जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं छोटे मोटे पेड़ पौधों को खा जाते हैं, जिससे क्या है कि वो प्लांट जब तक बढ़ेंगे नहीं तो ग्रोथिंग कैसे होगी, और जब छोटे पेड़ पौधों को ही खा जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो पेड़ बढ़ेंगे नहीं, जिससे क्या है डिफॉरेस्टेशन होगा। इट मीन्स क्या है कि इन चीज़ों को भी रोका जा सके। ठीक है, अब बात आती है थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड लाइफ खत्म होने के क्या कारण है, यानी कि उनको खतरा क्या है वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा। तो इसमें भी मैं पूरा टॉपिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूँ आपको, है ना। जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का डिस्ट्रक्ट होना, जैसे कि जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था प्लांट्स का खत्म होना पेड़ पौधे के, जैसे ऊपर वाले टॉपिक्स में मैंने पढ़ाया था, हंस राठौर गुड मॉर्निंग, है ना। तो बस वही है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट का मतलब प्लांट्स का खत्म होना, जिससे क्या है जब प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो जो पैरेट जो वर्ड्स वगैरह होती हैं, जो वर्ड्स वगैरह होते हैं, चिड़िया वगैरह होती हैं, उनको उनके रहने के लिए जगह ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैगवार वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर क्या है पेड़ों पर ही जो है सोते हैं वो, ठीक है, और बहुत सारे पक्षियाँ होती हैं वो भी पेड़ों पर जो है सोती हैं, अपने घोंसला बनाती हैं, बट अगर जब पेड़ ही ख़त्म हो जाएंगे तो उनकी क्या उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा, हैबिटेट लॉस हो जाएगा तो वो इधर उधर भटकेंगे, दूसरे जानवर उन्हें खा लेंगे। तो मतलब एक टाइप से ये भी हमारा खतरे की निशान है ना। थॉटलेस किलिंग बाय पीपल। थॉटलेस किलिंग बाय पीपल का मतलब है कि लोग वह क्या करते हैं अपने शौक के लिए, जबरदस्ती के लिए क्या करते हैं वो एनिमल्स को मारते हैं। ठीक है, जैसे कि देखा होगा आपने कि पहले क्या था, पहले कबूतरों को जो है बिना बात के जो है गोलियों से उड़ा कर मार दिया जाता था। तो अभी भी ऐसे बहुत से जो कंट्री में बहुत से पीपल्स ऐसे हैं जो अपनी अपने शौक के लिए, अपनी मर्जी के लिए, अपने ऐसी मस्ती के लिए क्या है जानवरों को मार देते हैं, जो कि इलीगल है। तो ये भी एक रीज़न है कि इस एनिमल की स्पेशीज ख़त्म हो जा रही है। ठीक है, अब क्या है अनकंट्रोल्ड हंटिंग, जैसे ऊपर वाला जो टॉपिक पढ़ाया था और ये भी, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, बस क्या नाम चेंज हो गए हैं, ऊपर वाले का भी साइंस यही था, नीचे वाले का भी यही था। जैसे कि क्या अनकंट्रोल्ड हंटिंग का मतलब है कि अनलिमिटेड क्वालिटी में, यानी कि कंट्रोल में नहीं है और हंटिंग किए जा रहे हैं। हंटिंग का मतलब होता है मारना। ठीक है, क्या है कि बहुत सारे इस एनिमल के स्पीसीज है जो कि ख़त्म होने के कगार पर है, लेकिन लोग बाग इलीगली तरीके से क्या है उसको मारते हैं, जैसे राइनोसॉरस हो गया आपका जो, ठीक है, राइनोसॉरस जो गैंडे होते हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा एक सींग वाला गैंडा, दो सींग वाले गैंडे जो होते हैं, अब वो एक सींग वाला गैंडा इंडिया में बहुत ही जो है रेयर पाया जाता है, बहुत कम बचे हैं। ठीक है, आपने लायंस वगैरह को देख लिया होगा, ये भी बहुत कम बचे हैं इंडिया में। सो अब क्या है कि ये भी बिना उसके मतलब यानी कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल है, कभी भी किसी भी जानवर को मार दिया जाता है। अगला टॉपिक आपका ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जैसे जैसे ग्रो हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई चाइना नंबर वन पर है, एक 1.4 अरब जनसंख्या है, और इंडिया की 1.35 है, तो आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है छोड़ के वो नंबर वन पे पहुंच जाएगा लगभग 2050 में। ठीक है,
तो अब क्या है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी ह्यूमंस की, तो भाई सीधी सी बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको खाने पीने का, रहने का और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से क्या लाया जा सके। इसलिए क्या है कि भाई जो ग्रोइंग है ह्यूमन पॉपुलेशन, वो एक मेन जो कॉज है वो है वाइल्ड लाइफ को ख़त्म करने के लिए, एक्सटिंक्ट करने के लिए एक मेन रीज़न यही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ। क्यों? क्योंकि जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो वही पेड़ पौधों को काट कर वहाँ अपना घर बनाएगी, ठीक है, खाने के लिए क्या है प्लांट्स को काट काट के जो है वो अपना घर बना लेगी, एनिमल्स वगैरह, क्योंकि वेजिटेरियन जो नॉन वेज भी होते हैं तो भाई वो एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। तो ये सब एक मेन रीज़न है कि जिससे क्या है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की प्रजातियाँ हैं वो ख़त्म होने के कगार पर हैं, ठीक है। बाकी देखो आपका ये बचा हमारा 6.5 कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि ये वाइल्ड लाइफ जो हमारा कंजर्व किस टाइप से किया जा सके, ठीक है। तो ये और पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि इसकी चीज़ को बचाया जा सके। तो इसे बचाने के लिए जो इंडिया ने एक एक्ट बनाया था 1972 में, जिसको बोला गया था द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। श्रेष्ठ शर्मा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इंडिया ने एक 1972 में एक लॉ बनाया था प्रोटेक्शन का, जिसमें क्या था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऐसा इलीगल बना दिया था कि जैसे क्या है, पहले तो जानवरों को बिना बात के मार दिया जाता था। हाँ सर, तो ये वाला जो टॉपिक आपका कंजर्वेशन वाला, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं रख देते हैं, बाकी आपको कल पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा। ये 30 सेकंड लेट चलती है ना, 1 मिनट।